टमाटर ने तो आंसू ही निकाल दिए। 130 रुपीस केजी के भाव से बिक रहा है टमाटर। और क्या आपने सुना वो सब्जी वाला जो मिलियनेयर बन गया सिर्फ और सिर्फ टमाटर बेच के, 13,000 क्रेट्स टमाटर के बेच के उन्होंने बनाए हैं 1.5 करोड़ रुपए। देखा जाए तो इंडिया में कुछ भी हो सकता है। और ऐसी ही न्यूज को देख कर मैंने सोचा क्यों ना आपको सब्जी के बिजनेस को शुरू करने में हेल्प कर दिया जाए। सो हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना और मैं स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे, जहाँ पे हर दिन हम अच्छे बिजनेस आइडियाज जिनमें प्रॉफिट आप बना सकते हैं, जिनमें आप अच्छा खासा सेव कर सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। हर दिन अलग अलग आइडियाज तो मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आज का जो आइडिया है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा हिट हो रहा है। बिकॉज एवरी डे न्यूज पेपर में आप पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से सब्जी वाले मुनाफा कमा रहे हैं, किस तरीके से सब्जी वाले अमीर बनते जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट हम हर दिन अलग अलग सब्जियां खाते ही हैं, हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छी होती हैं, और अब तो मैं बोलूंगी कि हमारी वेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखने वाली सब्जियों के बारे में आप कैसे अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चलिए कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ। तो सब्जी की डिमांड को देखते हुए और कैसे एक छोटी पूंजी के साथ आप इसे शुरू कर सकते हैं, इन्हीं कारणों की वजह से मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया बन सकता है। हाँ, क्योंकि सब्जी एक पेरिशेबल आइटम होती है और उसकी शेल्फ लाइफ होती है, कुछ सब्जियां कम बिकती हैं और कुछ बहुत जल्दी खराब भी हो जाती हैं। इस वजह से लोगों को ये भी लगता है कि ये एक जोखिम भरा बिजनेस है। लेकिन मुझे एक बात आप बताओ, कौन से बिजनेस में कमियां नहीं होती हैं, कौन से बिजनेस में आपको ब्लॉकेजेस का सामना नहीं करना पड़ता? बहुत सारे बिजनेसेस में अपने अपने लूपहोल्स होते हैं, हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स, नुकसान और फायदे होते ही हैं। लेकिन अगर आप उन लूपहोल्स को समझ जाओ और अपने व्यापार पे उसका इम्पैक्ट ना आने दो, फिर हर बिजनेस जो है वो ल्यूक्रेटिव बन जाता है, हर बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल बन जाता है। तो देखिए, सब्जी का व्यापार आप दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप होलसेलर बन जाएं या फिर आप एक रिटेलर बन के इस बिजनेस में उतरें। जैसे अगर आप होलसेलर बनने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो छोटे छोटे दुकानों में या फिर ठेले वालों को अपनी सब्जियां बेचते हैं, और जो रिटेलर्स होते हैं वो अपनी खुद की दुकान में डायरेक्टली कस्टमर को यानी कि कंज्यूमर को वो सब्जियां बेचते हैं। तो इस बिजनेस में उतरने से पहले मैं आपको यही बोलूंगी कि पहले आप एक डिसीजन बना लें कि आपको होलसेलर बनना है या फिर रिटेलर बनना है। अब देखिए, रिटेलर बनने के अपने फायदे हैं क्योंकि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगेगी। तो अगर आपके पास एक छोटा सा बजट है तो आप इसे छोटे स्तर पे शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अब आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर लिया है इस बिजनेस में, तो आप अगला कदम उठाइए। लेकिन शुरुआत बेबी स्टेप से ही कीजिए, शुरुआती में आपको लिमिटेड पैसे ही लगाने हैं इस बिजनेस। अब क्योंकि आप एक रिटेलर बन रहे हैं तो इसके लिए आपको एक छोटी सी दुकान लगेगी, तो आप 5-10 हज़ार में एक दुकान को रेंट पे लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकेंगे। हर गांव की दुकान का रेंट अलग होता है। इनफैक्ट अगर मैं शहरों की बात करूं तो वहां पे रेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, मैं समझती हूं आपका दुख। लेकिन शहरों में भी अगर आप सोसाइटीज या फिर रेजिडेंशियल एरियाज या फिर जो अपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, या फिर जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके पास अगर आप अपनी दुकान को खरीद कर या फिर रेंट पर लेकर खोलेंगे, तो एक अच्छी सेलिंग कैपेसिटी भी आप बना सकेंगे, यानी कि मैक्सिमम कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकेंगे। मार्केट, भीड़ वाले एरियाज आपकी दुकान की लोकेशन के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। अब बात करती हूँ रॉ मटेरियल्स की। भाई, सबसे बड़ी चीज तो यही है ना कि सब्जियों का बिजनेस शुरू करना है तो सब्जियां आएंगी कहाँ से? तो अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप एक होलसेलर बनने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट किसानों से, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से सब्जियों को पहले खरीदना होगा, उसके बाद होलसेलर बनकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा। और वहीं पे अगर आप एक रिटेलर हैं तो आप सब्जी मंडी से सब्जी लेके अपनी दुकान में डिमांड के हिसाब से और फ्रेशनेस के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की सब्जियां ही खरीदें, स्टडी कर लें कि भाई वहां किस तरीके की सब्जियां हैं और किस तरीके की लोगों को सब्जियां पसंद आती हैं, और वही वो मैक्सिमम खरीदते हैं, उस हिसाब से ही खरीदें और फिर आगे अपने कस्टमर को बेच दें। अब क्योंकि मैं सब्जियों की बात कर रही हूं, तो फ्रेशनेस, ताज़ी ताज़ी सब्जियां सबको बहुत अच्छी लगती हैं, और इसीलिए आपकी मेहनत शुरू होगी सुबह सुबह। आप सुबह सुबह जाइए सब्जी मंडी, वहां पे फ्रेश और बेस्ट क्वालिटी की सब्जियां चुनकर लेके आइए और उन्हीं को ही बेचिए। किसी भी व्यापारी को इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना होता है कि आप हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से अलग इसीलिए ही रहेंगे क्योंकि आप उन्हें क्वालिटी की चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको कोई बाकी यूट्यूब वीडियोज की तरह, ये बिजनेस तो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, इसमें आप महीने में 2 लाख बना सकेंगे, इससे 100 गुना मुनाफा आपको कमाने का मौका मिल रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं बोलने वाली हूँ। मैं प्रैक्टिकल एडवाइस कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात यहाँ पे करूंगी। शुरू में दो
2-3 महीने शांति रखिएगा, पेशेंस रखना इस बिजनेस में बहुत ही जरूरी चीज है। आपको धीरे धीरे एनालाइज करना पड़ेगा, अपनी लोकेशन को पहले अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आपके पास कस्टमर्स आना स्टार्ट होंगे। जो भी इंसान ये सोचता है कि अरे मेरा तो बिजनेस चल नहीं रहा, अरे मेरे पास तो कस्टमर्स ही नहीं आ रहे, ग्राहक कैसे आएंगे, मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, इस तरीके का डर आपको कभी भी रिस्क लेने पर मजबूर नहीं करेगा और कभी भी प्रॉफिट बनाने पर भी मजबूर नहीं करेगा। तो पेशेंस सब्र इस बिजनेस में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे आप अपने बिजनेस में चेंजेस देखेंगे और प्रॉफिट्स भी बनाने लगेंगे। लेट्स से अगर आप एक दिन में 400 से 500 रुपए भी बचा पा रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद ये प्रॉफिट ज्यादा करने का ट्राई करें। यानी कि हर दिन एक नया चैलेंज दे खुद को, एज अ रिटेलर, एज अ सब्जी वाला आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दें। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे घर के पास एक सब्जी वाले हैं, मेरी मम्मी सिर्फ उन्हीं से ही सब्जियां लेती हैं, उसके अलावा वो किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं करती हैं। इस तरीके के ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स आप भी बनाने का ट्राई कीजिए, ऐसे लोग आपको और नए ग्राहक भी दिलवाने वाले हैं। जैसे मेरी मम्मी हमेशा तारीफ करती हैं उस लोकल सब्जी वाले की और कहती हैं कि अच्छी सब्जियां तो सिर्फ वही इंसान देता है। इसके साथ साथ मैं आपको यही बोलूंगी कि धनिया मिर्ची पुदीना फ्री देने का कल्चर जो रिवाज है उसको कायम रखिएगा। ये सब्जी वालों का अब तक का बेस्ट सेल्स हैक है जो मैंने देखा है। कुछ फ्री मिलता है तो साइकोलॉजिकली मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह कुछ फ्री में मिला, मतलब मैंने पैसे दिए किसी और चीज के लेकिन साथ में कुछ और भी लेके आई हूं। तो छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, बस फ्री में अगर हमें कुछ मिल जाए तो हमारा दिल खुश हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो आप सब्जी का बिजनेस शुरू करने से पहले सोच सकते हैं और उसके बाद ही इस बिजनेस में उतर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है लेकिन प्रॉफिट कमाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर आप भी इस व्यवसाय को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं। एंड अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे थे तो मैं आपको बोलूंगी कि आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पे फार्मिंग रिलेटेड, फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं। इनफैक्ट मैं नंबर देती हूँ, 1000+ कोर्सेज वहां पे हैं जिसमें से जो आप देखना चाहते हैं सिर्फ उसी के लिए ही आपको पैसे देने हैं। कितनी कन्वीनियंट चीज है, राइट? एंड इनफैक्ट भारत का नंबर 1 लाइवलीहुड ऐप है फ्रीडम ऐप। तो आप भी इसमें अपना योगदान दीजिए, कुछ सीखिए नया। आज कुछ नया आप सीख रहे हैं, कल 10 लोगों को आप सिखाएंगे और बहुत सारे पैसे ना सिर्फ अकेले बल्कि उनको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए आप रेडी करेंगे। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।